अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे कंसल्टेंट को, बहुत सारे एजेंट्स को जो कि वीज़ा का काम करते हैं उनसे हमेशा आपने सक्सेस वीज़ा रेशो जो वो देखी होगी और उनके जो वीज़ा लगे हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सुना हो। कभी आपने किसी यूट्यूबर से, किसी कंसल्टेंट से, किसी एजेंट से ये नहीं सुना कि हमारे किसी दोस्त का या फिर किसी बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हुआ और उसने YouTube पे आके इतराफ़ किया हो और उसने वीज़ा रिफ्यूज़ल दिखाई हो। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको एक वीज़ा रिफ्यूज़ल दिखाने वाला हूँ अपने दोस्त की जो कि आज ही लगी है। आज ही डेनमार्क से उसने डेनमार्क के लिए अप्लाई किया था और डेनमार्क से उसे रिफ्यूज़ल लग के उसकी आई है और एक दोस्त को आज ही डेनमार्क का वीज़ा मिला है। पहले मैं रिफ्यूज़ल वाले का दिखाऊंगा, फिर अगली वीडियो में मैं उसका इंटरव्यू लेके उसका जो वीज़ा है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि मेरा दोस्त, उसका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकता, उसने मुझे मना किया हुआ, पासपोर्ट भी मैं पिक्चर नहीं दिखा सकता, बाकी मैं चीज़ें दिखा दूँगा उसकी। उसने 11 कंट्रीज़ में ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है और उसकी बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 10-12 लाख रुपया थी और जब उसने अप्लाई किया उस वक्त उसने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साथ लगाए डेनमार्क के लिए और उसने अप्लाई किया लेकिन उसकी रिफ्यूज़ल लग गई। रिफ्यूज़ल लग के आती है तो डेनमार्क कभी भी पासपोर्ट ख़राब नहीं करती, पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगाती। इन केस के अगर आपका बहुत हैवी जेन्युइन, बहुत हैवी केस हो गया, कोई ज़्यादा उनको लगता है कि यार ये बंदा हमारी कंट्री के लिए ख़तरे का बाइस है, तब वो मे बी के स्टैंप लगा दें पासपोर्ट पे, अदरवाइज़ वो स्टैंप नहीं लगाते। लेकिन वो एक पेपर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिख के देंगे कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिस बिना पर उनकी रिफ्यूज़ल लगी है। अब मेरे दोस्त के ऊपर कोई तकरीबन 7-8 एलिगेशन लगे हैं, उन्होंने लगाए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ रिफ्यूज़ल लेटर किस तरह का होता है। इस तरह का रिफ्यूज़ल लेटर है, ये देख लें ऊपर, ये रिफ्यूज़ल लेटर है डेनमार्क का, ये उसका रिफ्यूज़ हुआ है वीज़ा और उसके ऊपर जो सबसे मेन चीज़ लिखी है उन्होंने किस बेहाफ पे किया कि उनको यकीन नहीं आ रहा कि वो उसका कंट्री वीज़ा ख़त्म होने के बाद छोड़ेगा। और उसके बाद उसके उन्होंने बुलेट्स बना के उन्होंने 7 चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके अंदर सबसे नंबर 1 पे आ जाती है कि आपने जस्टिफिकेशन नहीं दी हुई पर्पस। हमेशा दोस्तों मेरी जितनी भी वीडियोज़ आप देखोगे मैं एक चीज़ हमेशा मैंशन करता हूँ कि यार ट्रैवल प्लान बनाओ, ट्रैवल प्लान बनाओ, अपनी जस्टिफिकेशन दो कि आपने उस कंट्री में क्यों जाना है और स्ट्रॉन्ग एक चीज़ बना के दो ना क्यों उस कंट्री में जा रहे हो और कौन कौन सी प्लेसेस पे विज़िट करोगे। डे 1 से डे लास्ट तक ऑल एक्टिविटीज़ आपने लिखी है, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये किसी भी एम्बेसी में चले जाओ उन्होंने कभी भी मेंशन नहीं किया वो कि यार हमें ट्रैवल प्लान दिया जाए, लेकिन मैंने कहा कि आप साथ रखो स्ट्रॉन्ग बनता केस। तो अब उसके ऊपर जो एलिगेशन लगा हुआ उन्होंने यही लिखा हुआ कि जस्टिफिकेशन ऑफ योर पर्पज़, ठीक है उन्होंने ये लिख के लगाया कि आपका जो पर्पज़ है ना वो ही नहीं बताया हुआ आपने। और उसके बाद उन्होंने एक सुफिशेंट बैलेंस के बारे में बात की है इसके अंदर कि आपके पास सुफिशेंट बैलेंस नहीं है। तकरीबन उसने 10-12 लाख रुपए शो किया था फिर भी उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। इसका मतलब है कि कम से कम 15 से 20 लाख रुपये अकाउंट में होना चाहिए और ये प्रूफ देना पड़ेगा आपके पास पैसा आया कहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक और एलिगेशन इसके ऊपर लगा है मेडिकल इंश्योरेंस का, ये देखिए मैं अगर दिखा सकूँ आप देखो ये 7वें नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपने मेडिकल ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस दी है ना वो ठीक नहीं है, वो उनकी समझ में नहीं आ रही, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस जो है ना वो वैलिड होनी चाहिए। अब मेडिकल इंश्योरेंस का एक लगा हुआ है उसके ऊपर एलिगेशन। अच्छा कभी आपने किसी कोई भी एम्बेसी ये मेंशन नहीं करती कि आप प्रीवियस आपका इस कंट्री का टूर नहीं है इसलिए हम वीज़ा नहीं दे रहे, ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा। लेकिन डेनिश एम्बेसी ने उसके ऊपर मेंशन किया है कि आपका प्रीवियस शेंजन टूर कोई नहीं है, अगर प्रीवियस शेंजन टूर होता तो वीज़ा मिल जाता। अब बड़े लोग इस बात को कहेंगे यार ये तो आपने ना छोड़ दी है बहुत बड़ी। अच्छा ये जहाँ पे मैंने फिंगर रखी हुई है ना इससे नीचे पढ़ें ज़रा, ठीक है पॉज कर लें और पढ़ लें। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि शेंजन टूर जो है ना आपका नहीं, आप जो डेनमार्क का टूर करना चाह रहे हो लेकिन प्रीवियस आपका किसी भी शेंजन कंट्री का टूर नहीं है। अच्छा उसके बाद एक और एलिगेशन है कि आपकी जो सिचुएशन है ना आपकी कंट्री में
वो अच्छी नहीं है, मतलब कि आप टैक्स पेयर नहीं हो। अगर ये बंदा टैक्स पेयर होता, अच्छे टैक्स पे किए होते इसने, तो बड़े हद तक चांसेस का वीज़ा लग जाता। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस बंदे ने इन्होंने कहा है कि योर सिचुएशन इन योर कंट्री, कि आपकी कंट्री में आपकी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं क्योंकि आपने टैक्स पे नहीं किया हुआ। अगर ये बंदा, नो डाउट इसने बंदे ने टैक्स पे किया हुआ है, थोड़ा किया है, अगर ये टैक्स पेयर होता, बहुत ज़्यादा इसने टैक्स पे किया होता, तो फिर ये हिसाब लगता कि यार ये बंदा अपनी कंट्री के साथ सिंसियर है, तो ये हमारा कंट्री लीव करके वापस अपनी कंट्री में जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और उन्होंने, ये तो मैंने बताया जो इस पे एलिगेशन लगे हैं छोटे छोटे से, और भी काफ़ी हैं लेकिन वो मेंशन करने इतने ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ एलिगेशन लगी हुई है कि यार कि आपकी कंट्री की सिचुएशन, पाकिस्तान की सिचुएशन अच्छी नहीं है कुछ। आप जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, उस कंट्री की वो ग्रुप 5 में कोई इनका ग्रुप है, उस ग्रुप में आप फॉल कर रहे हो, इस वजह से आपके वीज़े में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब ये ज़रा मैं दिखा दूँ आपको, ये ज़रा पढ़ लें। ये जिस जगह पे मैंने ये रखा हुआ हाथ, ये आप ऐसा करो, यहाँ से ना पॉज करके पढ़ना शुरू करो। तो इसके ऊपर लिखा हुआ कि आपका जो कंट्री है ना, नेटिव कंट्री, और जो है ना ग्रुप 5 के अंदर कहीं पर वो मैंशन कर रहे हैं, और उसके ऊपर सेक्शन 16(4) एंड NX2 कोई वीज़ा। अच्छा, ये चीज़ है, ये कोई इनका है सेक्शन जिसमें हमारा पाकिस्तान फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी, हाँ, हमारी कंट्री की रैपो इतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से इस पर एलिगेशन लगा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने 5-6 पेजेस के ऊपर इन्होंने पूरा बना के दिया कि कौन कौन से एलिगेशन आपके ऊपर लगे हैं। अच्छा, और एक और चीज़ इन्होंने किया कि आप अपील भी कर सकते हो, विद इन 8 वीक्स के अंदर आप दोबारा अपील कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि आपके ऊपर एलिगेशन जो लगे हैं वो बिल्कुल गलत लगे हैं, एलिगेशन वो नहीं थे लगने चाहिए, तो आप दोबारा अपील कर सकते हो, इसके कोई चार्ज नहीं है। और 8 वीक्स के अंदर, अब इसकी जब से आज अगर इसकी रिजेक्शन लगी है, आज से 8 वीक इसके स्टार्ट हो गए, विद इन 8 वीक्स ये जो है ना अपनी दोबारा से अपील कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, चले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक वीडियो में बात की थी जॉर्जिया वीज़ा के ऊपर कि यार जॉर्जिया ने डिपोर्ट किया मेरे दोस्त को, तो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे पे इतराज़ किया था, यार जॉर्जिया ने कैसे डिपोर्ट कर दिया, जॉर्जिया नहीं डिपोर्ट करता, बहुत सारी बातें की थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, आप नहीं यकीन करते, अभी उसका पासपोर्ट मेरे पास है, मैंने सोचा दिखा दूँ। तो ये देखें, ये बंदा दोबारा से देखें, ये स्टैंप लगी हुई है कि ये आज़रबैजान में गया, ईरान से ये आज़रबैजान में एंटर हो रहा है वाया बस, वहाँ से ये बंदा जा रहा है वाया ट्रेन जॉर्जिया में, जॉर्जिया वालों ने इसको एंट्री नहीं दी, दोबारा ये बंदा उसको बॉर्डर पे भेजा, तो आज़रबैजान जब आया उसके ऊपर स्टैंप लगाई है उन्होंने, ये जिसके ऊपर मेरा उंगली है ये स्टैंप है इसके ऊपर लगी हुई है। तो जो बंदे कह रहे थे यार कि आपने फेक झूठ का है, आपके कोई ऐसी बात से सदाकत नहीं है आपकी बात में, तो मैंने कहा चलें आपको स्टैंप भी दिखा देते हैं। अच्छा, और मज़े की बात यार, ये जो डैनिश एम्बेसी है ये आपका ना पासपोर्ट ख़राब नहीं करती, इसके ऊपर रिफ्यूज़ल की स्टैंप नहीं लगाती। मैंने सोचा ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी जो कि शेयर की जाए। ये बाय द वे मैंने वीज़ा नहीं अप्लाई करवाया, भाई ने खुद अप्लाई किया था, तो अब आप ये समझोगे कि मैंने, यार मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, मैंने वीज़ा अप्लाई करा रिफ्यूज़ हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा दोस्त है, इन्होंने अप्लाई किया था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ जो कि कोई बंदा शेयर नहीं करता, और डॉक्यूमेंट्स मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाएँ। और गारंटी है कि इस तरह की वीडियो कोई जो डॉक्यूमेंट्स उठा कर कोई बंदा दिखा दे, किसी ने नहीं बनाई होगी। थैंक यू सो मच, कोई क्वेश्चन होगा मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।